सभी भाइयों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गोपी, आप देख रहे हैं गोपी हरपाल व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हंगरी का ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, ठीक है। और कुछ भाइयों ने ये भी पूछा था कि IDP जो होता है कैसा होता है, इंडिया में कौन सा इशू करवाना होता है जिसमें कि यूरोप में आके ड्राइविंग में कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आप कृपया इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूरोप ट्रक ड्राइविंग के रिलेटेड लेके आता हूँ। तो इसके साथ साथ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है हंगरी से, क्योंकि मेरे बहुत से भाई हैं जो वेबरास कंपनी है हंगरी की, बहुत ही ज्यादा अपने इंडियंस लोग हैं जो इधर आ चुके हैं पिछले साल में और अभी भी आ रहे हैं। तो उन भाइयों ने बताया कि कुछ भाइयों ने लाइसेंस अप्लाई किया था, तो कुछ भाइयों का लाइसेंस हंगरी का बन चुका है ट्रक का, ठीक है। वो कैसे बना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जिस भी भाई के पास दुबई का लाइसेंस है उसको अभी फायदा है। मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था कि हंगरी का लाइसेंस और लिथुएनिया का लाइसेंस कैसे बनता है ट्रक का, लेकिन उस टाइम में मैंने ये बताया था कि जो दुबई का लाइसेंस है लिथुएनिया में चेंज नहीं होता, ठीक है। वो हर कंट्री का अलग अलग रूल है, किसी कंट्री का अलग रूल है, किसी कंट्री का ये रूल है, ठीक है। लेकिन जो हंगरी में अभी जो खबर मेरे को मिली है, बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो जिन भाइयों के पास दुबई का लाइसेंस है उनको डायरेक्ट हंगरी का ट्रक का लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो जो दुबई का लाइसेंस है वो हैवी लाइसेंस के साथ साथ लाइट भी होना चाहिए, मतलब ट्रक के साथ साथ कार का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर वो दोनों कैटेगरीज हैं तो फिर वो लाइसेंस आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो जिनके पास दुबई का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो हंगरी में किसी और काम में भी हैं लेकिन वो अपना लाइसेंस इधर चेंज करवा सकते हैं। उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उनको जाना पड़ेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, वहां पे जाके पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं लाइसेंस चेंज करवाने के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सबसे पहले, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो हंगरी का TRC कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी ट्रांसलेशन, एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होनी चाहिए। वो उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है, जो उनकी वेबसाइट है हंगरी की, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है वो सर्टिफाइड होता है लाइसेंस ट्रांसलेशन के लिए, तो आपने वहीं से ट्रांसलेशन करानी है तो आपका वैलिड है, ठीक है। इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका TRC कार्ड और आपका लाइसेंस की ट्रांसलेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोड 95 है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो लाइसेंस है दुबई का वो चेंज करके मिल जाता है, ठीक है। अपने जो इंडिया का लाइसेंस है, और सुनने में आ रहा है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं जैसे केरला तमिलनाडु की साइड के, उनका कुछ टाई अप है, उनकी गवर्नमेंट की कुछ टाई अप है हंगरी के साथ, तो उनका लाइसेंस शायद चेंज हो जाता है। लेकिन जो पंजाब की साइड है, जैसे नॉर्थ की साइड वालों की बात करता हूं, तो उनका अभी तक लाइसेंस किसी का भी चेंज नहीं हुआ। हंगरी में डायरेक्ट लाइसेंस चेंज किसी का भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। जो हैवी ट्रक का लाइसेंस है वो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो IDP है उसकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। दोस्तों, IDP के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि IDP बनता कैसे है, ठीक है। IDP दोस्तों बनता है जब आपका वीजा आ जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्री का वीजा जब आपका आ जाता है तो तब आप IDP अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 1050 अभी करंट फीस है जो पंजाब में, तो शायद बाकी जगह में भी सेम ही होगी इंडिया में। तो वीजा आने के बाद आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके साथ आपकी एक फीस लगती है, और इसके साथ आपका मेडिकल लगता है, और इसके साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, ठीक है।
तीन चार चीजें दोस्तों लगती हैं जो मैंडेटरी हैं, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है आरटीओ ऑफिस से, ठीक है। आरटीओ ऑफिस में जब आप जाओगे तो आपकी एक फोटो होगी वहां पे, जैसे नॉर्मल लाइसेंस की फोटो होती है। तो आपने जब फोटो आपकी जब फोटो हो जाती है, तो फोटो होने के बाद आपकी जो फाइल रहेगी आपके पास, वो आपने जमा करवा देनी है उधर, ठीक है। आपकी फाइल जमा होगी, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन में सबमिट हो जाती है उसी टाइम में, ठीक है। तो फाइल सबमिट होने के बाद आपको एक अप्रूवल लेनी होती है, जब वो डिपेंड करता है आपके आरटीओ ऑफिस पे, वो कितनी जल्दी अप्रूवल डालते हैं। अगर वो सेम डे अप्रूवल डाल देते हैं, तो अप्रूवल डालने के तुरंत बाद ही आप जो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो करंटली जो A4 साइज का जो प्रिंट आउट मिल रहा है मेरे हमको पंजाब में, तो वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दो स्टंपें लगती हैं, वो स्टंप आपने जरूर लगवानी है, ठीक है। तो वो आपका वैलिड है। तो ये वाला जो IDP है A4 साइज वाला, ये पूरा वैलिड है, यूरोप में कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो। उसमें आपने ध्यान रखना है C+E कैटेगरी जो है ट्रेलर की, वो आपने मेंशन जरूर करवानी है, ठीक है। अगर आपका वाला लाइसेंस हैवी है तो और कार का भी आप ऐड करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। कार की B कैटेगरी है और C और C+E, ये तीनों कैटेगरी आप डलवा लीजिए तो बेटर है, ठीक है। तो जो भी भाई यूरोप में नया आ रहा है, तो उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो IDP है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो अपने RTO ऑफिस से ही बनवाना है, ठीक है, C+E कैटेगरी का। अगर आपका इंडियन लाइसेंस हैवी है, तो आपको C+E कैटेगरी का आराम से लाइसेंस कैटेगरी का लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भाई मेरे को बता रहे थे, हमने ड्राइवर एसोसिएशन से अप्लाई किया है, जो शायद अमेरिका की कंपनी है या फिर सिंगापुर की कंपनी है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एक तो आप लाइसेंस महंगा बनवा रहे हो, ठीक है, और इसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि ये लाइसेंस वैलिड नहीं है यूरोप में, ठीक है। अगर आप पुलिस से पकड़े जाते हो, तो पुलिस आपको ज्यादा बहुत बड़ा फाइन देती है, स्पेशली जर्मनी पुलिस। तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपका जो RTO ऑफिस से लाइसेंस मिलता है, चाहे वो आपको A4 साइज का पेपर मिलता है, मैं अपनी खुद बात करता हूं, मेरे पास भी A4 साइज का पेपर है प्रॉपर स्टंप के साथ, तो वही वैलिड है। कोई भी किंतु परंतु नहीं करेगा आपके साथ यूरोप में, ठीक है। अगर आप चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे आप ट्रक चला रहे हो, जो भी कैटेगरी आपके लाइसेंस के ऊपर मेंशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल तक वो वैलिड है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे आपके साथ शेयर की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये बहुत अच्छी अपडेट थी मैंने आपको जो दी है, ठीक है, जो रिसेंटली मेरे को मिली थी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।